इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व पूरे देश में हो रहे विविध आयोजन उमरिया अक्षत कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें लोगों का अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हुआ और समस्त जिले वासियों को 22 जनवरी को पुनः दिवाली जैसा उत्सव अपने जिले और गाँव में मनाने का आग्रह भी किया गया। और जिले के प्रमुख मंदिर में 22 जनवरी को LED लगाकर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण भी दिखाया जाएगा। साथ ही राम सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम जैसे रामायण पाठ, हनुमान चालीसा और भंडारे जैसा आयोजन करने का भी निवेदन किया गया और मंदिर में साफ सफाई जैसे कार्यक्रम आयोजित करने का निवेदन किया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में श्री रामचंद्र भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में निकाली गई जन जागरण शोभा यात्रा, श्री रामचंद्र भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में जन जागरण का कार्यक्रम सरकार के आदेशानुसार रखा गया। वरिष्ठ नागरिक एवं हाई स्कूल के शिक्षा एवं शाला के विद्यार्थी सभी लोगों ने मिलकर श्री रामचंद्र भगवान के जयकारों के साथ लोगों में अयोध्या में राम मंदिर को खुशी को लेकर सम्मिलित रहे। कई वर्षों के बाद भगवान का मंदिर बनकर तैयार हुआ है। विशाल जन जागरण यात्रा का आयोजन अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व पूरे देश में हो रहे विविध आयोजन उमरिया में भी निकाली गई ऐतिहासिक जन जागरण यात्रा। इस यात्रा में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी शामिल हुए। 22 जनवरी को उमरिया को ही अयोध्या बनाने का उद्देश्य है और सभी अपने घरों के सामने 11-11 दीपक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जलाएंगे। Let's go.
देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।